इसी को विदरिंग ट्रप बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं मोनोरेल। पत्तियों का बैग डालते हैं और धीरे 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 यहाँ पे आने के बाद से ये मशीन में फीड हो रही है। अब मशीन के बाद से नीचे जो देख पा रहे हैं सारा सीटीसी मशीन है। जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ थी ये छोटे आकार में हो गई। यही चाय फर्मेंटेशन होने के बाद से हमारे कपों में मिलती है। यहाँ पे सीटीसी रोलर है, पत्तियाँ एकदम बारीक हो गई। अच्छा ये पंखे क्या लगा रखे हैं आपने? अब यहाँ पे फिल्टर हो रही है तो बड़े बड़े दाने हैं, ये क्या है? पैक नहीं हो सकते। अब छोटे वाले दाने आप लोग बोलते हो भाई बीपी, अरे यही सब है बीपी बीओपीएसएम। ये फर्मेंटिंग मशीन कन्वेयर से होते हुए ये जा रही है ड्रायर रूम में। सोच रहा हूँ कि मैं भी एक लकड़ी डाल दूँ इसमें। धीरे धीरे पत्तियाँ जो है यहाँ से आके ड्राई हो जाती है। ये फाइब्रो कटिंग मशीन है, सारे फाइबर आ गए और यही सेकेंडरी चाय सस्ती मिलती है। इसी मशीन को बोलते हैं फाइब्रो स्क्रीन शॉटर। भाई इस शक्ति में गति भी है, एक गति शक्ति है। नमस्कार, मैं जेपी शर्मा। भाई आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। अचानक सा एक प्रोग्राम बन गया नेपाल की टी फैक्ट्री विजिट करने के लिए। तो जैसा आप लोगों को पता है कि मैं एक टी कंसल्टेंट हूँ, फैक्ट्रियों का विजिट करना, उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करना या उनको गाइडलाइन देना मेरा काम है। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों को भी कुछ चाय फैक्ट्री का जानकारी दूँ। मेरा एक जूनियर लड़का है यहाँ पर पिंटू सिंह, उससे मिलेंगे और फैक्ट्री के बारे में बताएंगे। तो मैं ऑलरेडी फैक्ट्री में आ चुका हूँ। देखिए लकड़ियों का भंडार पड़ा हुआ है। यहाँ पे वुड फायरिंग वाला हीटर है जिसमें आग जलाई जाती है और उस आग से जो हवा गर्म होती है उस हवा से चाय को सुखाई जाती है। तो आइए ले चलते हैं फैक्ट्री में, हम बात करते हैं मिस्टर पिंटू सिंह से। हेलो मिस्टर पिंटू, कैसे हैं आप? जी बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बहुत दिन बाद मिले हम लोग। जी 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 सर। ये हमारे काफ़ी पुराने मित्र हैं, चाय बगान में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो आज हम लोग आए हैं, ये फैक्ट्री के मैनेजर हैं मिस्टर पिंटू सिंह, तो बताएंगे फैक्ट्री के बारे में, फैक्ट्री में क्या चल रहा है। क्योंकि फर्स्ट क्लास का सीजन जस्ट अभी एंड के कगार पे है, तो थोड़ी बहुत पत्तियां आ रही है जिससे चाय बन रही है। और ये देख जैसे देख पा रहे हैं एकदम नई फैक्ट्री है, अभी फैक्ट्री एक साल भी नहीं हुई है। फैक्ट्री में डेंटिंग पेंटिंग करना बहुत सारा काम बाकी है, फैक्ट्री चालू हो गई है। तो आइए देखते हैं। जी सर, एक बार ये आपका विदरिंग ट्रफ है? जी। अच्छा विदरिंग ट्रफ यहाँ पे कितना है? आठ है सर। आठ विदरिंग ट्रफ है, चार ऊपर चार नीचे। और पांच है ना यहाँ पे? एक तो बंद ही रहता है। ओ, तो चार ऊपर चार नीचे, मतलब आपका दो लाइन सीटीसी के लिए आपका परफेक्ट हो जाता है। परफेक्ट रहता है। ठीक है, तो कब से फैक्ट्री चालू की आज? चालू की हम लोग 12 मार्च को। 12 मार्च को की है, मतलब आज सुबह कितने बजे चालू हुआ? आज सुबह 7 बजे। 7 बजे, तो 12 मार्च के बाद से मतलब कुछ फर्स्ट क्लास की पत्ती आई होंगी। जी जी जी। और अभी वैसे ही चल रहा है? हाँ, नॉर्मली चल रहा है। अच्छा आते पत्ती देखते हैं। तो जैसा कि ये नेपाल की जो बॉटलिप टी फैक्ट्री होती है, यहाँ पे पत्तियाँ तो काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में आती है, बट क्वालिटी थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं आ पाती है, लेकिन एक चीज देख रहा हूँ कि यहाँ का जो एरिया है जो प्लेन एरिया से बेटर है सर। बेटर है, इसकी चाय की जो खुशबू है, एक फ्लेवर है, एक टेक्सचर है, उनसे बहुत बेटर है। प्लेन से बहुत बेटर है, बेटर है। क्योंकि मैं चाय टेस्ट किया, इस चाय में जो एक स्वाद है, एक टेस्ट है, वो उनकी चाय में नहीं है वैसा, है ना? तो इकोनॉमिकल भी होता है और बढ़िया भी होता है। तो ये सारी पत्तियां ट्रफ में रखी गई है, इसी को विदरिंग ट्रफ बोलते हैं। ट्रफ की लंबाई कितनी है? 100 फुट लंबा है और चौड़ा 10 फीट 12 फीट चौड़ा रहता है। 10 फीट का है। ठीक है, तो नॉर्मली 12 फीट या 6 फीट या 8 फीट या 12 10 फीट अपना स्टैंडर्ड जगह के हिसाब से कर लेते हैं लोग। तो 12x100 स्टैंडर्ड साइज है ट्रफ का। तो आइए अंदर में देखते हैं ट्रफ का सिस्टम क्या होता है। ये सब पत्तियां रखी हुई हैं इसमें विदरिंग करने के लिए। जी। तो आपका तो ऑलरेडी वो ट्रफ तो खत्म ही हो गया, इसमें हाथ दे दिए और दो ट्रफ है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग शाम तक खत्म हो जाएगी। जी हाँ, मोटा मोटी 4 बजे तक खत्म। 4 बजे तक खत्म हो जाएगी। तो ये विदरिंग ट्रफ में पत्तियों को रखी जाती है और यहाँ पे इसका विदर की जाती है। जो पत्तियाँ जब आती है तो ये पत्तियों का जो है ये काफी ताजगी होती है और यहाँ पे आने के बाद से क्या होता है, ये मुरझा जाता है, मतलब कि फ्लैसिड हो जाता है।
तो पत्तियों में एक खास बात होता है कि मॉइस्चर लेवल जो ज्यादा होती है उसको कम अगर नहीं करेंगे तो फिर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसके लिए जरूरी है, इसके लिए क्या है, बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं। ये बड़े बड़े पंखे हैं जो हवा जा रही है। ये पंखों का आवाज भी काफी ज्यादा है यहाँ पे, देखिए बड़े बड़े पंखे लेने की ढंग से पंखे चलने के बाद से यहाँ पे जाली दी गई है, यहाँ से हवा निकलता है। पंखे जब चलेंगे तो हवा यहाँ से आएगा। ये हवा आने के बाद से क्या है कि पत्तियों में हवा लगेगी और पत्तियाँ जो है इसमें विदर होंगी। इसमें जो भी एक्सेस मॉइस्चर है उसको निकालते हैं और एक लेवल मेंटेन करते हैं जिससे कि आगे का प्रोसेसिंग में हेल्प मिल सके। तो आपने तो हॉट ईयर भी लगा रखा है। जी जी, हॉट ईयर है। तो हॉट ईयर चालू कर दिया आपने इस बार? इसे सर चालू किए थे, इस बार नहीं चलाएंगे, मतलब पानी चलाएंगे, टाइम में चलेगा। देखिए ये छोटा सा हीटर है, यहाँ हॉट ईयर का सुविधा दी गई है। सीढ़ी है आने का? इधर से है, इधर से है। बिल्कुल नया है, अब नया है। ये छोटा सा एक हीटर है जो कोयला से और लकड़ी से भी चल सकता है। तो मेरे ख्याल से लकड़ी से आप लोग चलाएंगे। तो यहाँ पे लकड़ी डालेंगे, आग लगा देंगे, हीटर गर्म हो जाएगी, डक्ट बनी हुई है, हवा जाएगी। हवा जाने का एक सुविधा दी गई है, तो हवा जा करके ये जो डक्टिंग लगी हुई है इसको खोल भी सकते हैं। इसको खोल सकते हैं ना। ये आपका फ्लू लाइन हो गया जहाँ से धुआं आने जाने का काम करता है। तो ये हॉट एयर का काम ही ये है कि हवा को गर्म करना, गर्म करना। तो ये हीटर एक्चुअली बेसिकली कोल हीटर है या फायरवुड हीटर है। अब इसका काम यही है कि हवा को गर्म करना, जो बाहर में हवा आएगा वो गर्म करके उस पत्तियों में सप्लाई करना जिससे कि पत्तियां विदर हो सके। विदर होता है पानी, उसमें पानी बरसात में पूरा बढ़ता है मॉइस्चर। तो हाँ, पानी सूखने के लिए। ये पंखा किस लगाया गया है? ये तो स्मोक के लिए है। स्मोक जो भी स्मोक होगा वो निकाल करके इस चिमनी से बाहर निकाल देगा। ये सिमनी दिया गया है, यहाँ से जितना भी धुआं होगा निकल जाएगा, एकदम फ्रेश गर्म हवा ही जाएगी जी। तो ये जो पंखे देख रहे थे, जो पंखे अभी चलाए थे हम लोग, तो इसमें गर्म हवा जाने के बाद से उस पंखा के सामने आएगा और वो सक कर लेगा, वो अंदर ले लेगा। तो ठंडी हवा और गर्म हवा मिलने के बाद से एक सही टेम्परेचर मेंटेन होगा। और वो टेम्परेचर उतना मेंटेन करना होता है जिससे कि पत्तियां जो है जले नहीं, विदरिंग हो जाए, जले नहीं, खराब ना हो, ओवर फर्मेंटेड ना हो। एक सही टेम्परेचर देना जरूरी होता है जिससे कि विदरिंग हो जाए, नहीं तो बरसात के टाइम पे तो पानी बहुत होता है, पानी आता है और मौसम ऐसा रहेगा कि आपका सूखेगा नहीं, तो क्लाइमेट में तो पूरा नमी रहता है, नमी रहता है। तो जरूरी है करना। चलिए एक बार फैक्ट्री देखते हैं कैसे बनता है, दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये विदरिंग ट्रब में पत्तियों को इस ढंग से भरी जाती है बैग में और बैग को ये मोनोरेल पे लगा देते हैं। तो इसको बोलते हैं मोनोरेल, ये कैरी करने का काम करता है। यहाँ से पत्तियों को लेके जाएगा फर्दर प्रोसेस के लिए रोटर वैन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे पत्तियों का आगे का प्रोसेस की जाएगी। तो विदरिंग ट्रब में इसी ढंग से पत्तियों को भरी जाती है इस तरीके के बैग में और ऑटोमेटिकली धीरे धीरे दो चार मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो चलिए चलते हैं रोटर वैन के साथ पास। तो रोटर वैन पे चलते हैं और देखते हैं आगे की प्रोसेसिंग कैसी होती है, किस ढंग से एक क्रशिंग, पियरिंग, कर्लिंग का प्रोसेस की जाती है, प्री कंडीशनिंग कैसे की जाती है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या है, चाय को ड्राई की कैसे की जाती है और मोरलेस सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग कैसे होती है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। बन रही है वीडियो में। जो ग्राउंड फ्लोर से जो पत्ती भेजी गई थी अभी वही आ रही है ना मोनोरेल से। तो देखिए मोनोरेल से जो पत्ती आ रही है, ये ग्राउंड फ्लोर जो विदरिंग ट्रप है वहाँ से आ रही है और धीरे धीरे ट्रेवल करते करते ये आ जाएगी रोटर वैन प्लेटफॉर्म पे। तो ये रोटर वैन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक कच्चा शिफ्टर लगा रखे हैं। इस सिस्टम में पत्तियों को ऑटोमेटिकली फीड करते हैं, बैग इस पर डाल देंगे, पत्तियों का बैग डालते हैं और धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे गिर जाता है। तो एक फीडिंग का काम करता है, तो फीडिंग का काम है, एक कांस्टेंट फीडिंग करे। इसमें कितना किलो पर आवर सेट करना है वो भी सेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है
865 किलो मतलब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग किया है। इतना चाय इसने काट रखा है। ये विदर लिप रिकॉर्ड है, विदर लिप के ऊपर में है। तो ये कंट्रोल पैनल है जहाँ पे पत्तियाँ कितनी आई, कितना इसके अंदर डाला गया, इसका हिसाब किताब इसमें रखा जाता है। तो इस ढंग से ये चाय की पत्तियाँ यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आने के बाद से ये मशीन में फीड हो रही है। अब मशीन के बाद से नीचे जो देख पा रहे हैं सारा CTC मशीन है। CTC मशीन में वही काम वहाँ होता है, CTC मैन्युफैक्चरिंग का। देखिए अलार्म बज रहा है, तो अलार्म बज रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपका जो है पत्तियों का फीडिंग कम या ज़्यादा, कम होने से ही बजेगा, ज़्यादा होने से ही बजेगा भाई, उसमें वर्कर सावधान हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बढ़िया और जी दे रहा होगा, अच्छा दे रहा होगा। तो और नीचे आते हैं फिर देखते हैं। पत्तियाँ ऊपर से आ रही है और इसमें इस सेंटर में कटिंग हो रही है। कटिंग होकर के हो गया रोटर वैन। तो रोटर वैन से पत्तियाँ जो है क्रॉस होकर के, जिसको प्री कंडीशनिंग बोलते हैं, रोटर वैन से पत्तियाँ यहाँ गिर रही है। इस ढंग से जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ थी ये छोटे आकार में हो गई। अब इसमें देखिए जूस कंटेंट भी अच्छा खासा होता है। यही चाय है, यही चाय फर्मेंटेशन होने के बाद से हमारे कपों में मिलती है, यही चाय असल में। तो चाय का लिकर है। इन पत्तियों को यहाँ से क्रश करने के बाद से इस ढंग से मशीनों में काटी जाती है। तो इस ढंग से इसमें कई जगह पे कटिंग होती है। और यहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे CTC रोलर है जहाँ पे पत्तियों की काटी जाती है। CTC रोलर भी मैं दिखाऊंगा। पत्तियों का इस तरीके से चार बार की कटिंग की जाती है। चार बार कम से कम काटने के बाद से ये बारीक हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए बारीक हो चुका है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये जो रोलर्स होते हैं 8 TPI, 8 TPI, 10 TPI, 20 TPI, 8 TPI मतलब 10 TPI मतलब 10 feet per inch। तो 8 दांत वाले रोलर होते हैं, 10 दांत वाले रोलर होते हैं जो पत्तियों को बारीक काटने का काम करते हैं। बंद कर दीजिए। तो इस ढंग से चार बार कटिंग होती है। चार बार पांच बार काटने के बाद से पत्तियां क्या होती है, बारीक हो जाती है। यहाँ पे पत्तियाँ एकदम बारीक हो गई, ऐसा लग रहा है कि कोई गुथा हुआ आटा है। इस ढंग से बारीक हो गई पत्तियाँ। आपके पास दो मशीन है? दो मशीन है। तो दो मशीन में सेम प्रोसेस है, सेम काम है? सेम प्रोसेस। तो आपने एक पत्ती को चार बार काट रहे हैं? ये चार बार काट रहे हैं। पोर्ट कट, पोर्ट कट मशीन बोलते हैं। अच्छा, ये पंखे क्या लगा रखे हैं आपने? पंखे क्या है? ह्यूमिडिटी फैन है। ह्यूमिडिटी फैन है, मतलब कि कंट्रोल करता है। हाँ, चाय में ड्राइनेस इफेक्ट नहीं आए। जी जी, इसके लिए ह्यूमिडिटी फैन लगा रखे हैं जहाँ पे पानी का छिड़काव होता है और यहाँ का वातावरण नम बना रहे। नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है ना। अभी आगे आते हैं, गुगी दिखाएंगे, गुगी में दाना कैसे बनता है अभी दिखाते हैं। आगे चल के कार्ड मंगवा लो कुछ। इस ढंग से देखिए यहाँ पे इस मशीन को बोलते हैं गुगी। ये जो गोल ड्रम सा है, इसमें दाने जो है गोल हो जाते हैं। वहाँ से पत्तियाँ जो है, ऐसा लग रहा था कि गुठा हुआ आटा है और यहाँ पे आके ये दानेदार बन गई। इस ढंग से दाना इसमें दिख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हर तरह का दाना मिलता है। अब देखिए ये कच्ची चाय पत्ती है। कच्ची चाय पत्ती में दाने हर तरह के हैं। आपको दाना मैं दिखा दूँ। यहाँ के दाने की साइज अलग है, यहाँ के दाने की साइज बड़ी है, देख पा रहे होंगे। इसी ढंग से यहाँ के दाने की साइज और बड़ी है। तो इसमें सारे दाने मिक्स होते हैं, सारे, चाहे BP हो, OF हो, PD हो, डस्ट हो, सारे मिक्स होते हैं। जितने भी मिक्स दाने हैं इन दानों का छटाई सूखने के बाद से करते हैं। भाई चाय एक ही होती है, उसमें
सारे ग्रेड मिक्स होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में ये नहीं सोचना चाहिए कि अलग अलग लोग क्या बोलते हैं पता है कि भाई वो अलग बनता है, बीपी अलग बनता नहीं, है नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, सारे एक साथ ही बनता है, उसका अलग अपग्रेडिंग कर लेते हैं। तो एक साथ की जो चाय बनती है हो सकता है कि उसके वो बीपी में लीकर ज़्यादा है, यूपीएसएम में कम आए, ये रीज़न दूसरा है, वो अलग रीज़न है, वो अलग रीज़न है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक साथ ही होता है। अच्छा, ये सारे दाने जो भी कच्ची पत्तियाँ यहाँ पे आ गई, ठीक है, अब देखिए ट्रेवल कर रहा है, ऐसे आ रहा है ऐसा नहीं। अब इस ढंग से आपका ये कन्वेयर के ऊपर में सारी पत्तियाँ आ रही है, आने के बाद से ये आपका एक संतूर लगा रखे हैं, फिल्टर हो रहा है। अब यहाँ पे फिल्टर हो रही है जी। फिल्टर होने के बाद से जो बड़े दाने हैं ये जो नजदीक से दिखाइए इनको, जो बड़े बड़े दाने हैं ये क्या है, पैक नहीं हो सकता, पैक नहीं हो सकता है, ये बड़े दाने का डिमांड नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे फिर काट के छोटा कर देंगे। तो इसके लिए छोटा मशीन वहाँ पे दे रखे हैं, छोटा मशीन है, तो यहाँ पे छोटे दाने जो है उधर निकलते हैं। अब यहाँ पे छोटे दाने चाहे यहाँ पे आ गए, आप इधर से लाइट में दिखाइए, अब छोटे वाले दाने आप लोग बोलते हैं भाई बीपी, अरे यही सब है बीपी बीओपीएसएम, इसमें बीओपी भी थोड़ी हल्की फुल्की जाती है, यही सब छोटे दाने हैं। तो छोटे दाने अभी पत्तियाँ कच्ची है, इनकी फर्मेंटेशन होगी, फर्मेंटेशन के बाद से इनकी ड्राइंग होगी, ड्राइंग के बाद से इनकी ग्रेडिंग होती है, तो प्रोसेस और भी बचा हुआ है, आप लोग बंद रहेंगे देखेंगे क्या प्रोसेस है क्या सिस्टम है, ठीक है। तो ये सीटीसी मशीन का छोटा रूप है, सीटीसी मशीन का छोटा रूप है, जो बड़े वाले जो दाने वहाँ से निकल रहे थे उसको काट के छोटा कर दिया, फिर उसी जगह पे चला जाएगा जहाँ से छोटे दाने अलग हुए ले ले हम, अब बड़े दाने फिर से वापस आ जाएंगे, एक रिसाइकिल होते रहता है, बड़ा दाना अलग छोटा दाना अलग। अब ये फर्मेंटिंग मशीन, इसको बोलते हैं फर्मेंटिंग मशीन, एक कंटिन्यूस फर्मेंटिंग मशीन। अब सबसे पहले जो पत्तियाँ वहाँ पे गई थी वो हरी रंग की गई थी जी, हरी रंग की। अभी यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो रहा है, शुरू हो गया ये ऑटोमेटिकली कलर इसका चेंज होने लगा, इसके अंदर से हवा दी जाती है, हवा के साथ में ह्यूमिडिटी परसेंटेज होती है, और ऊपर ह्यूमिड एयर जो है इस चाय की पत्तियों को ऑक्सीडेशन करने में मदद करती है। भाई ये वही बात हो गया ना कि एप्पल को काट के रख दो ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, ऑक्सीजन लगता है, ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता है, जो उसके अंदर में जो लोहा होता है वो फेरस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जो आयरन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसी ढंग से यहाँ भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, जो बायो केमिकल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके उसके कलर को चेंज करती है, चाय का टेस्ट अरोमा लिकर सब यहीं पर जनरेट होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इस ढंग से फर्मेंटेशन मशीन। अब देखिए एक चीज़ मैं दिखा दूँ, अभी काफ़ी स्लो तरीके से चल रही है, देखिए अब ये पत्ती मैं यहाँ रखा दिखाने के लिए, यहाँ रख दिया, अब देखिए कैसे चल रही है, आगे बढ़ रहा है, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस में चल रही है, मतलब ये वहाँ से लेकर के जहाँ फीड पॉइंट है और लास्ट तक जाने में ये टाइम जो है डेढ़ घंटा दो घंटा, अभी 95 मिनट, मतलब मोरलेस वहाँ पत्ती डाली गई डेढ़ घंटे में वहाँ पहुँच रही है, तो डेढ़ घंटे में फर्मेंटेशन हो गया। ये हमारे भाई साहब हैं, ये नेपाल से है, ये बहुत स्वागत किए थे लास्ट टाइम, और फैक्ट्री में आप लोग देख के चलाते हैं, सब कुछ बढ़िया है, मज़ा आया, तो सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे कुछ जानकारी दे दूँ। तो इस ढंग से फर्मेंटेशन का प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म होती है, यहाँ पे जो फर्मेंटेशन होने के बाद से पत्तियों का कलर इस तरीके से आ जाता है, इसको लाइट में दिखा सकते हैं, इस ढंग से इसका कलर चेंज हो जाता है।
अब ये पत्तियाँ जो है कभी अच्छी विदर होती है, कभी थोड़ी सी हल्की विदर होती है, डिफरेंट टाइप की पत्तियाँ होती है, तो दाने छोटे बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये दाने हार्ड भी हो जाते हैं, दानेदार हो जाता है, दाने का साइज कितना इवन और अलग दिख रहा है यहाँ पे। इस कन्वेयर से होते हुए ये जा रही है ड्रायर रूम में, जहाँ पे पत्तियों को सुखाई जाएगी। सूखने के बाद से आपका CTC चाय मोरलेस तैयार हो जाती है, अब बाकी रहती है ग्रेडिंग है ना जी। तो आपका ड्रायर रूम तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, ड्रायर रूम बड़ा है, यहाँ दो ड्रायर का स्पेस है सर, दो ड्रायर लगाएंगे यहाँ पे। हीटर से दिखाते हैं थोड़ा सा। अभी हम लोग ड्रायर रूम में आ गए हैं, सबसे पहले हीटर देखेंगे। यहाँ इतनी सारी लकड़ियाँ रखी गई हैं, लकड़ियों से हवा को गर्म की जाती है। और ये देखिए ड्रायर रूम का, हीटर रूम का एक चैम्बर, इस ढंग से लकड़ियों को डाली गई है। तो इस ढंग से लकड़ियों को डालेंगे, देखिए लकड़ी डाल रहे हैं इसमें। और भाई इसमें तो मतलब टोटली मैनुअल हिसाब किताब है, इसकी टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है ना। तो इस ढंग से लकड़ियों को डाल रहे हैं, और कि मैं भी एक लकड़ी डाल दूं इसमें। ये हीटर का जो मेन फ्यूल है वो है लकड़ी, इस कोयला से भी चलता है, ये थर्मस ऑयल से भी चलता है, बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, फर्नेस ऑयल जिसको बोलते हैं, और एक लकड़ी से भी चल रही है। यहाँ पे जो धान के जो हस्क होते हैं, धान की भूसी, उससे भी हीटर चलती है। मीडिया कोई भी हो, टेम्परेचर, एक सही टेम्परेचर हवा को गर्म करना ही इनका मेन उद्देश्य होता है। तो बड़े बड़े हीटर लगे रहते हैं इन चाय में, चाय की पत्तियों में पानी की जो परसेंट 70% से ज़्यादा होती है, इस लेवल में आके, इस जगह पे आके उसको सुखाने का काम करता है। तो 70% 1 किलो में से उसके लिए बहुत पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए दिखाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ड्राई हो गया, ये दानेदार पत्तियाँ होगी। और इसमें हर तरह का ग्रेड है, छोटे बड़े, इसमें BP ब्यूपेशन भरे हुए हैं, सारे ग्रेड इसके अंदर में है। यही बोलता हूँ कि यहाँ पे डस्ट पीडी की मात्रा बहुत कम होती है ना। तो पिंटू ये बताइए कि ये ड्रायर में कितना किलो चाय मिल जाता है आपको पर आवर? पर आवर 230 किलो। 230 किलो चाय एक घंटे में आप उत्पादन करते हैं? जी जी। ठीक है, तो ये ड्रायर अभी कितना चलता कितना है, रात दिन चलाते हैं क्या? चल रहा है 8 घंटे। 8 घंटे चल रहे हैं, मतलब कि जब पत्तियां रहेंगी तो लगातार चलाते रहो, कोई देना चाहेंगे, डे नाइट चलेंगे, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ड्रायर जो है डे नाइट चलती है, 230 किलो पर आवर का उत्पादन है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटे में कितनी पत्तियां बनती है इस दो लाइन की फैक्ट्री में, दो लाइन CTC की फैक्ट्री में। ड्रायर को कंट्रोल करने के लिए पैनल बोर्ड दिया गया है, यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन की जा रही है, यहाँ पे 4 तरह की टेम्परेचर मेंटेन की जाती है। ये सारे कंट्रोल पैनल्स है, कौन कौन सा पंखे कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं, ये सारे इसके कंट्रोल पैनल हैं। तो ड्रायर में पत्तियों को सुखाना ही मेन काम
कटिंग रूम में चाय कैसे पैक कराते हैं देखते हैं। पत्तियां ड्राई रूम से आने के बाद से ये आपका ऑटोमेटिक वेइंग स्केल लगा है। देखिए ऑटोमेटिक वेइंग स्केल है, यहाँ पे पत्तियां जमा होंगी और वेट की जाएगी, हर घंटे कितनी उत्पादन हुई उसका हिसाब किताब रखा जाता है। यहाँ पे पत्तियों को वजन करके इसका ऑटोमेटिक एक हिसाब किताब रिकॉर्ड हो जाती है कि भाई कितना इस घंटा चाय बना, 24 घंटा में कितना बना, ड्रायर का आउटपुट कितना रहा, बहुत सारी बातें हैं। तो ये अभी वेट हो रही है, वेट होने के बाद से यहाँ पे पत्तियों को गिराएंगे तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। अब ये पत्तियाँ यहाँ पे जा रही है, ये आपका सॉर्टिंग मशीन हो गया है ना जी। तो ये फाइब्रो सॉर्टिंग मशीन है जहाँ पे फाइबर एक्सट्रैक्ट की जाती है, ये सारे फाइबर से आपके चाय में जो भी फाइबर्स होते हैं, यहाँ पे निकल जाता है। तो भाई ये जो रोलर दिया गया है, इस रोलर का काम ही है फाइबर को अपने तरफ खींच लेना। तो ये इसमें 6 रोलर दिया गया है, ये 54 इंच स्लो स्पीड फाइबर एक्सट्रैक्टर इसको बोलते हैं, 56 इंच का स्लो स्पीड फाइबर एक्सट्रैक्टर मशीन है जहाँ से इस फाइबर को निकालने की काम करती है। और ये फाइबर जो है इस ढंग से इसमें इकट्ठा हो जाती है। भाई साहब यही सेकेंडरी चाय है, सारे फाइबर आ गए और यही सेकेंडरी चाय सस्ती मिलती है और लोग समझते नहीं है। तो वहाँ से ऑटोमेटिक वेट होने के बाद से चाय आ रही है। देखिए ये हो गया प्राइमरी चाय, प्राइमरी चाय कितना नीट एंड क्लीन है जबकि सेकेंडरी चाय इधर में है। ठीक है, इसी सिस्टम में कई बार सॉर्टिंग की जाती है यहाँ से वहाँ तक, फिर इस मशीन में आएगी, यहाँ भी सेम प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस, देखिए इसमें ये जो बल्ब की बोलते हैं ना, इसमें ये सब डस्ट पीढ़ी है, ये डस्ट पीढ़ी है, हर तरह के दाने से मिक्स है, हर तरह के दाने मिक्स है, दिख रहा होगा, हर तरह के दाना मिक्स है। ये क्या करेंगे आगे के मशीन में दिखाऊंगा किस तरीके से दानों को अलग की जाती है, क्योंकि फैक्ट्री में ज़्यादा जोर से बोलना पड़ता है, मुझे थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है, आदत नहीं है। तो आइए पिंटू जी दिखाइए। अब देखिए जैसा देख पा रहे हैं इसी मशीन को बोलते हैं वाइब्रो स्क्रीन शॉटर। भाई सीटीसी चाय का ग्रेडिंग यही होती है, अलग अलग ग्रेडों में भाग की जाती है। ये वाइब्रो स्क्रीन शॉटर 48 इंचेस के होते हैं, जिसको कौन सी कंपनी की है, विक्रम की है। तो वाइब्रो स्क्रीन शॉटर में सारे ग्रेड हैं, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं नज़दीक से, ये 10 ग्रेड है। सबसे पहले 10 ग्रेड है, 10 ग्रेड यहाँ निकलती है, 10 ग्रेड देखिए कितनी पतली होती है, ये 10 ग्रेड की पत्तियाँ हैं। टोटल प्रोडक्शन का भाई साहब 2-3% निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये सुबह से फैक्ट्री चल रही है, बैग भी नहीं भरा। दूसरा है पीढ़ी, ये पीढ़ी निकल रही है, यहाँ देखिए पीढ़ी, तो ये पीढ़ी चाय है, पीढ़ी भी 10 कैटेगरी की चाय आती है। इसका भी टोटल प्रोडक्शन का हार्डली 3-4% चाय आती है, तो आप पीढ़ी देख सकते हैं। पीढ़ी के बाद से आता है ओएफ, ये ओएफ ग्रेड की चाय है, ओएफ थोड़ी सी बड़ी होती है, ओएफ का साइज काफ़ी बड़ी होती है पीढ़ी 10 के हिसाब से। तो आप समझ पाएंगे कि भाई सबसे पहले सबसे नीचे जाती है 10, उसके बाद से पीढ़ी, फिर ओएफ, उसके बाद से आता है बीपी। बीपी की परसेंटेज बहुत ज़्यादा निकलती है, बीपी कितना परसेंट आ जाता है, 48% सर, 48%। तो देखिए करीब करीब टोटल प्रोडक्शन का आधा जो है बीपी निकलता है ना। तो ये बीपी हो गया, बीपी के बाद से बीओपीएसएम, बीओपीएसएम बीपी से कम निकलता है, 18-20% होता होगा, मोटा मोटी 17-18%, हाँ 18%, 17-18%, 20% के नीचे। तो बीओपीएसएम जो है
बाद से बीओपी, बीओपी की परसेंटेज और भी कम होती है, 8% 10% अगर हो जाए तो बढ़िया है, किसी किसी केस में 12-13% भी हो जाता है। तो बीओपी की साइज आप देख लिए। अब इसके बाद जो साइज होती है बीओपीएल, बीओपीएल बहुत कम पैक होता है, बीओपीएल बहुत बड़ा साइज है, बीओपीएल बहुत बड़ा साइज है, इसका भी मार्केट है और बिकती है। और इसके बाद जो है रिजेक्ट साइज होता है, इस साइज को नहीं पैक करते। ये जो साइज है ये बहुत बड़ी साइज है, रिजेक्शन है, इसको रीप्रोसेस वगैरह में कुछ प्रक्रिया यूज करती है, अदरवाइज इसके भी लेने वाले बायर होते हैं। तो ये बहुत बढ़िया जानकारी है आपका ग्रेडिंग का। अब यहाँ पे पैकिंग करवा रहे हैं आप, तो ये पैकिंग शायद सेकेंडरी चाय है। सेकेंडरी चाय है, ठीक है। देखिए सेकेंडरी चाय की पैकिंग इस तरीके से होती है, चाय को इकट्ठा किए, मिक्स किए और इस चाय को पैक कर देंगे। पैकिंग के लिए आपको इस तरीके का बैग यूज करते हैं ना। जी हाँ। ईजंग से जो भी हाइब्रो स्किन सॉर्टर से चाय पत्ती निकली उसको ये बल्किंग शीट के ऊपर में रख दी जाती है आगे का पैकिंग के लिए। तो वहाँ भी रखी गई है, वो कौन सा ग्रेड है? ओएफ है। ओएफ है। ये वाला कौन सा ग्रेड है? बीपी है। और ये एसएम है, बीओपी सब यहाँ रखी गई है। तो इस ढंग से जो सबसे ज़्यादा निकलने वाला ग्रेड है ये ओएफ, बीपी और बीओपी सबसे ज़्यादा ही निकलता है, यही निकलता है। तो इनको तीन जगह तीन त्रिपाल पर रख दी गई है और बाद में इसको मिक्स करके इस बैग में पैक कर देंगे। पकड़िए इसको भाई। इस शक्ति में गति भी है, एक गति शक्ति है, आप देख पा रहे होंगे इलाम टी प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड, ये नेपाल की चाय है, नेपाल यहाँ लिखी गई है, प्रोड्यूसर ऑफ नेपाल। भाई नेपाल की चाय का लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है, आप लोगों को अगर नेपाल की चाय चाहिए, अच्छी चाय चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। तो नेपाल की लो कॉस्ट प्रोडक्शन और ख़ासतौर पर ये जो एरिया है काफ़ी अच्छी खासी चाय प्रोडक्शन के मामले में जानी जाती है, और चूँकि नई फैक्ट्री है बहुत बढ़िया चाय बन रही है, मशीन भी अच्छी खासी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इस पैकेट में पैक करते हैं आप, ये लाइनर दे रखे हैं, ये लाइनर दे रखे हैं, लाइनर में पहले चाय जाएगा, सील करेंगे, इसको सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर सिलाई हो रही है, दिखा देते हैं। अभी ढंग से यहाँ पे चाय भर दी गई है इस ब्रांड में, और ये चाय भरने के बाद से ये लाइनर को सील करेंगे, फिर बैग को सिलाई करेंगे। देखिए इस ढंग से सिलाई हो गई है, इस ढंग से सिलाई कर दिए हैं। अब इस पर आप मार्किंग भी करते हैं, जैसे कि मार्किंग का सिस्टम वहाँ से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये इनवाइस नंबर हो गया GS30 ग्रेड BOPSM, नंबर आ बैग 30, सीरियल नंबर 415, लॉट नंबर 30, कंटेंट टी। इस ढंग से पैकिंग हो गई, ये 30 बैग का लॉट है, किसी को अगर चाहिए होता है कोई भी बायर, तो टोटल 30 बोरा ही चाय खरीदेगा, 30 बैग ही खरीदना पड़ेगा, और बाकी जो ट्रेडर्स है वहाँ से लूज क्वांटिटी में देते हैं। भाई तो आपको 4 बैग चाहिए, 2 बैग चाहिए, 5 बैग चाहिए, मैनेज हो जाएगा, आप उसके लिए चिंता मत करिए। बात यह है लो कॉस्ट प्रोडक्शन की है, चाय अच्छी होनी चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, प्राइस में, क्वालिटी में, टेस्ट में, फ्लेवर में, सब चीज़ में अच्छी होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन सस्ता भी होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी रही होगी। मैं अचानक ही प्रोग्राम कर लिया कि मैं कुछ बताऊं, और फैक्ट्री के अंदर में चिल्ला चिल्ला के बात करना ही बहुत डिफ़िकल्ट बात है मेरे लिए खास तौर पर। तो अब मैं विदा लूँगा मिस्टर पिंटू सिंह से, आपने बहुत अच्छा कॉपरेशन किया और फैक्ट्री के ऐसी चीज़ों के बारे में बताया दिखाया, और आशा करता हूँ, मेरी शुभकामना है और आशा भी करता हूँ कि आपकी फैक्ट्री दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़े, जी, 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 जी। और आपके लिए अच्छे अच्छे बायर मिले, और मेरी तरफ से कोई भी इंक्वायरी आती है चाय के लिए मैं आपके पास भेजूंगा। एक सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, जी बोलिए, उनको 2 बैग 4 बैग 5 बैग कुछ भी लगेगा दे दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो मैं बिता लेता हूँ और आप लोगों को भी आप दोस्त से बिता लेता हूँ। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं फिर।